आज हम बनाएंगे किचन के सामान से ही ओरियो बिस्किट, जो कि बेहद आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हमने ये ओरियो बिस्किट बनाया कैसे है, एकदम टेस्टी और हेल्दी फ्रेंड्स। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर रेसिपी आपको पसंद आती है। मैंने बिल्कुल न्यू तरीके से बनाकर तैयार किया है। बिस्किट के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर एक कटोरी मैदा ऐड कर दूंगी। तो मैंने बहुत ही कम मैदा लिया है, छोटी कटोरी से मैदा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 चम्मच इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो कोको पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है बिस्किट का फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर देखिए 4 चम्मच ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम चीनी पाउडर ऐड कर देंगे आधी कटोरी। तो मैंने चीनी को पीस कर मिक्सी जार में चीनी पाउडर बना के ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे रिफाइंड ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि बहुत ही खस्ता हमारा बिस्किट बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टिक्की ये है मक्खन, तो मक्खन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर, चुटकी भर ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलायची के पाउडर ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा बिस्किट का। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम अच्छे से डो बनाकर तैयार करेंगे बिस्किट का। तो घर का बना हुआ बिस्किट में बहुत ही टेस्ट आता है फ्रेंड्स, मार्केट से भी बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनके तैयार होती है। तो घर के बिस्किट होता है ना, बहुत ही ताज़ा बिस्किट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के डो बनाएंगे। तो दूध बहुत ही कम लगेगा इसलिए हम एक बार में दूध नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और डो एकदम से हम सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा टाइटे रखेंगे। जिस तरीके से हम नमक पारे के डो बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमको डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम और दूध डाल देते हैं और डो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डो बन के तैयार हो गया है फाइनली, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चलिए बिस्किट बना के तैयार करते हैं, बिस्किट के शेप देंगे। यहाँ पर हम डो को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और एक डो को हम साइड में रख लेंगे और एक डो को हम बेलकर बिस्किट के शेप देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बिस्किट बनाकर तैयार किया है बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बेल के तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो टूटने का डर होगा ना आपको, तो आप पन्ने के ऊपर रख के बेल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये बेला जाता है। तो देखिए मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ओरियो बिस्किट लेंगे या कोई सा आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बिस्किट का तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट लिया है, उसे मैं यहाँ पर डिजाइन दिया है हर बिस्किट के ऊपर, देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही हम सारे डिजाइन बना लेंगे रोटी के ऊपर, देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बिस्किट बन के तैयार होता है। और देखिए कितना यहाँ पर देखिए मैंने रोटी के ऊपर बहुत बढ़िया से डिजाइन दे दिया है और एक बिस्किट से देखिए कितना सुंदर डिजाइन दिया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से डिजाइन देके बिस्किट कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन से कट किया है, आपके पास कटर हो या कोई सा भी कटने वाला चीज़ हो तो उससे कट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि एक शेप में हमारे बिस्किट कट होगा। तो यहाँ पर हम चलिए अच्छे से सारे बिस्किट को कट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्किट को कट कर लिया है, अब हम निकाल लेते हैं सारे बिस्किट को। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स घर पे बिस्किट बनाना, देखिए कितना आसान से ये निकल आएगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो हम सारे बिस्किट को इस तरीके से निकाल लेंगे और बाकी बचा है उसे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है बिस्किट का शेप। तो जो बाकी लोई है ना हम उसी तरीके से बेल कर कट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्किट बनाकर कट कर लिया है, तो ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्लेट में भी मैंने कट करके रखा है। तो बिस्किट टूट गई थी तो मैंने 4-5 ऐसे ही रहने दिया है बिना डिजाइन का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए अब बेक कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेट रख लिया है और उसके अंदर मैंने पहले से ही ऑयल ग्रीस करके रख लिया है बेक करने के लिए। तो अब हम इसके अंदर प्लेट के अंदर रख लेंगे बिस्किट उठाकर। तो जितना आ जाएगा प्लेट में हम उतना बिस्किट रख लेंगे, थोड़ा दूर दूरी पर रखेंगे ताकि हमारा बिस्किट अच्छे से बन के तैयार होगा। बाकी बिस्किट के मुकाबले में ये बिस्किट बहुत ही जल्दी से ये बेक हो जाता है, सिर्फ 20 मिनट में बेक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दिया था पहले से ही, बहुत अच्छे से ये गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ को बचाते हुए रख देंगे प्लेट को और कढ़ाई के अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है। अब हम ढक देते हैं और बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे और गैस को लो से थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे। और दूसरा प्लेट वाला जो बिस्किट है ना मैंने ओवन में डाल दिया है, इसमें क्या होगा ना कि 15 मिनट में बेक हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हम आपको मिलते हैं बेक होने के बाद।
ओरियो बिस्किट के अंदर जो बीच में क्रीम रहता है ना व्हाइट कलर के, उसी तरीके से हम यहाँ पर तैयार करेंगे किचन के सामान से ही। तो देखिए मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट लिया है, तो फ्रिज में रख दिया है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, साथ ही में मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई भी ऐड कर दिया है, और अच्छे से हम मिक्स करके एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हर सामान किचन के अंदर ही मिल जाएगा, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है। 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर चीनी पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो घर के सामान से ही बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही कम बजट में बिस्किट बन जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी बिस्किट मैंने बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन हटा के हम बिस्किट को चेक कर लेंगे। मैंने बीच में भी चेक किया था 10 मिनट के बाद, तो बीच में भी चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से बिस्किट बेक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और प्लेट को नीचे निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। तो देखिए ये बिस्किट बहुत अच्छा से बेक हो चुका है और ये पैन के अंदर भी बहुत अच्छा से बेक हो गया है बिस्किट। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला रख दिया था ओवन के अंदर, तो इसमें ज़्यादा कलर आया है क्योंकि ओवन में कलर ज़्यादा आता है। तो ये 15 मिनट में बेक हुआ है फ्रेंड्स, ये जल्दी इसलिए बेक हुआ है ना फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ही पतला पतला है ओरियो बिस्किट के जैसे, देखिए कितना पतला पतला बनाया है, इसलिए जल्दी से बेक हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया ये बिस्किट बनके तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से प्लेट के अंदर से निकल आएगा। तो आपका बिस्किट नहीं निकलता है तो आप चम्मच के डंडी है ना उससे निकाल सकते हैं या छलनी से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारी हमारा बिस्किट बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेन के अंदर से बिस्किट निकाल लिया है, बहुत ही करारी क्रिस्पी बिस्किट बनके तैयार हुआ है। ये वाला बिस्किट ना मैंने ओवन में बनाया है फ्रेंड्स, इसीलिए ज़्यादा कलर आया है, देख सकते हैं। तो ओवन में बहुत ही जल्दी से बन जाता है और कलर बहुत ही अच्छा से आता है क्योंकि ये चारों तरफ से पक जाता है। तो देखिए सारे बिस्किट मैंने बना के तैयार कर लिया है, देखिए कितना सारे बिस्किट बना है, देखिए कितना पतला पतला बिस्किट बना है फ्रेंड्स। तो हमारा ये ओरियो बिस्किट बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन मैंने जो व्हाइट चॉकलेट और मिल्क पाउडर से बनाया था ना फिलिंग्स, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाकर तैयार कीजिएगा। तो हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही बिस्किट के ऊपर लगा देंगे इस तरीके से और अच्छे से, और दूसरा बिस्किट है ना उठा के हम चिपका देंगे, देखिए इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है बिस्किट बनाना, देखिए एक तो बन गया और कितना सुंदर लुक लग रहा है। तो बहुत ही टेस्टी बिस्किट बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, जितना बाकी बचा है ना बिस्किट उसी तरीके से हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्किट के अंदर सारे चॉकलेट लगा दिया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आया है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइनली बिस्किट बना के तैयार कर लिया है, एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी हमारे बिस्किट बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए एकदम मार्केट वाला लुक आया है बिस्किट के अंदर और ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना उतना ही खाने में ये टेस्टी है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो देखा ना कि कितनी कम सामान में मैंने बिस्किट बना के तैयार किया है, एकदम किचन के सामान से ही मैंने सारे ये बिस्किट बनाकर तैयार किया है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आपको अगर अच्छा लगा होगा बिस्किट बनाने के तरीका तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।